वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और वृश्चिक राशि वालों, माँ भवानी, माँ गौरी, माँ अम्बे जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं वृश्चिक राशि वालों कि हे माता रानी, आप सभी को आपार धन संपदा देना, सभी के सपने जल्द ही साकार करना, ताकि जीवन में दिन दोगुनी रात सोगुनी तरक्की हो। माता रानी, हमारी आपसे बस इतना ही अनुरोध है। वृश्चिक राशि वालों दोस्तों, हो जाइए सावधान, आज दोपहर 1:59 बजे के बाद आप करोड़पति बनने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, पूरे 5 करोड़ रुपया मिलने वाला है। लेकिन इसे मजाक समझने की भूल मत करना, वरना जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। जी हाँ, अब मानो या ना मानो, अब आपकी मर्जी। दोस्तों, वो बड़े ही किस्मत वाला होगा जो आज की यह पूरी वीडियो देख पाएगा, क्योंकि जो देखेगा वही पाएगा, बाकी सब पछताते रह जाएगा। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है कि अब आपका एक एक सपना देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से पूरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी पैसों की समस्या इतनी बढ़ गई है कि आप कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। जी हाँ, आप अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहती हैं। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है, कभी कभी ऐसा अनुभव भी होता है कि माता रानी हमसे रूठ गई है, हमसे नाराज हो गई है। तभी तो हमें इतनी दुख तकलीफ हो रही है, तभी तो हमारे जीवन में इतनी परेशानियां चल रही है। लेकिन दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, यह सभी परेशानियां अब आपके जीवन काल से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आज दोपहर 1:59 बजे के बाद आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह गोचर बनने जा रही है जो कि दोस्तों आपको बहुत सारा रुपया पैसा मिलने वाला है। जी हाँ, मान लीजिए एक प्रकार से आपको बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर 1:59 बजे के बाद आपकी कुंडली में यह दो बड़े ग्रह आपको माला माल बनाएंगे। लेकिन जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि इन खुशियों के पीछे कुछ नकारात्मक और बुरी शक्तियां आपका पीछा करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप अपने जीवन काल में कई बार देखा होगा कि जब जब आप अपने जीवन में खुश होते हैं, जब जब आप अपने जीवन में खुशियां आती है, तब तब आपसे कुछ न कुछ गलतियां हो ही जाती है, जिससे कि पूर्ण रूप से आपको शुभ अवसर का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए आज आपको वही करना है जो हम आपको बताएंगे, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन से उपाय करनी है, किन से दूर रहना है, किन से बचकर रहना है, सारा चीज कार्य से लेकर उपाय तक आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन जानने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां पार्वती जरूर से जरूर लिखिएगा, आपके जीवन में धन दौलत की बरसात होती रहेगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों, आज दोपहर 1:59 बजे के बाद आपकी आर्थिक स्रोत थोड़ी बढ़ने वाली है और देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से संभावना पूरी पूरी है कि पैसा जम कर आएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में एक बड़े ग्रह प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण से आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा, सब कुछ सोने पे सुहागा होगा। लेकिन आपको भावनाओं में नहीं भटकना है। जी हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपने जीवन में सुख आ रहा है तो आपको भावनाओं में नहीं भटकना है, अहंकार और घमंड को नहीं करना है। और अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है, परेशानी चल रही है, दुख की घड़ियां चल रही है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार जरूर करना है, थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना है, क्योंकि दोस्तों ये सभी चीजें थोड़े समय के लिए ही है। अगर आप
शब के सामने झुक कर रहोगे तो भगवान को देने में देर नहीं लगता है, और अगर अकड़ दिखाओगे, घमंड करोगे तो भगवान को लेने में भी देर नहीं लगता है, क्योंकि भगवान देना भी जानता है और वो लेना भी जानता है। इसलिए ऊपर वाले से जरूर डरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं आज का दिन विवाहित जीवन जी रहे लोगों के लिए काफी आनंदमय रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपकी अपने किसी मित्र से नाराजगी रहेगी, लेकिन आपको अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर पूरा पूरा ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने किसी शत्रुओं से कोई बात को लेकर क्रोध आ सकता है, लेकिन आप उस पर काबू बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप इस समय परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकती हैं। आपका कोई परिजन आज आपसे धन उधार मांग सकता है, लेकिन आपको उसे देने से बचना होगा, नहीं तो रिश्तों में दरार हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सितारे कहते हैं आज आप पैसों का लेन देन ना ही करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत रहने वाला है। आपको अपने कामों के प्रति सावधानी बरतनी होगी। यदि आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए आपको माफी मांगनी होगी। आपकी कुछ पुरानी योजनाएं आज आपको जो है अच्छा लाभ देकर जाएंगी, जिससे आपको खुशी होगी। यदि आपने परिवार के किसी सदस्य से कोई वादा, कोई वचन किया हुआ है तो आपको उसे पूरा करना होगा। परोपकार के कार्य पर भी आप पूरा ध्यान देंगे। आपको कोई बड़ा निवेश अनुभवी व्यक्ति के सलाह मशवरे से करना बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आने वाला रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी बाहरी व्यक्ति से वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो मामला आज आगे बढ़ सकती है। जी हाँ, घर परिवार में यदि कोई काम लंबे समय से लटक रहा था, बनते बनते बीच में ही अटक जा रहा था, तो वह काम पुनः बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको उसकी शुद्ध बुद्धि लेनी होगी, तभी वह काम आपका बन पाएगा। माता जी यदि आपको आज कोई जिम्मेदारी दे रही है तो आपको उसे समय रहते पूरा करना होगा। जी हाँ, नहीं तो वो आपसे नाराज हो सकती है। और विद्यार्थी गण अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, तभी उन्हें परीक्षा में अच्छी सफलता मिलती हुई दिख रही है। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं संतान से आपकी किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है, वाद विवाद होने की संभावना बन रही है, लड़ाई झगड़े के आसार बन रहे हैं। इसलिए आज आप सावधान रहें, सतर्क रहें और छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको व्यापार में किसी बात को लेकर रणनीति बनानी होगी और भाग दौड़ अधिक ना करें। जी हाँ, घर पर ही समय व्यतीत करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अधिकारियों के सामने आ सकती है और कोई पुरानी बात जो है आपकी अधिकारियों के सामने आ सकती है। पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा। जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं, उन्हें कोई अच्छा अवसर आज के दिन मिल सकता है। धन के मामले में दिन थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। अगर आपने किसी को रुपया पैसा उधार दिया हुआ था तो उसमें थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। जी हाँ, वैसे तो दिन बहुत अच्छा है। आज आप किसी को रुपया पैसा उधार ना दें, नहीं तो दिक्कत होगा। आज आपको अपने जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन कैरियर को लेकर परेशान चल रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा फोकस बनाए रखना होगा, तभी उन्हें बेहतरीन रिजल्ट मिल पाएगा। भाई बहनों से चल रही समस्याओं को आज नजरअंदाज ना करें। आप अपने परिवार की जरूरतों पर पूरा ध्यान देंगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप कुछ विशेष कर दिखाने के उधेड़ बोन में लगे रहेंगे। समझदारी में काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों में आपको जीत मिल सकती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी।
अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें। धन्यवाद।